इंडियन कुकिंग शिक्रस वाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इन जो मिर्ची काट रही हूँ, इन मिर्ची का और लहसुन का मैं मसाले वाला हरा नमक बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 10 से 15 मिर्ची ली हैं और ये लहसुन है, कुछ लाल मिर्ची और कुछ हरी मिर्ची। इन सबको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। ये मसाला ऐसा है, आप इस मसाले से कभी कचौड़ी या पराठा, आपको कभी अचानक मन हो जाए बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ भी मसाला तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मसाला है मिर्ची का, इसमें धनिया भी होगी, हरी हींग भी होगी, जीरा भी होगा और सेंधा नमक भी होगा। तो मैंने ये मिर्ची काट ली हैं। अब हम इस जार को लेते हैं, इसमें डालेंगे मिर्ची। मैंने मिर्ची और लहसुन पूरा का पूरा इसमें डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक है तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। सेंधा नमक डाल दिया और ये हरी धनिया है जिसको मैंने पहले ही साफ़ कर लिया, साफ पानी से धुल के रख दिया था और इसे सुखा दिया ताकि इसका पानी सूख जाए। इसको भी डाल देंगे हम इसमें, काट दिए ऐसे मोटी मोटी बड़ी बड़ी काट दिए। और इसमें हम डालेंगे जीरा, ये जीरा डाला 1 चम्मच और हींग, हींग भी डाल देंगे, ये हींग डाल दिया। अब इसको हम पीसते हैं, पीसने के बाद हम आपको फिर दिखाएंगे इस नमक को। ये नमक मैंने पीस लिया है, इसमें आप कचौड़ी भी बना सकते हैं इस नमक से, और पराठा आप जो भी बनाना चाहें, समोसा, उसमें भी आपको अलग से मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम भर लेंगे इसमें, इस जार में। तो मैंने ये जार लिया है, इसको सुखा दिया था और हम इसी को भर लेंगे। आपको मैं याद दिला दूँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। लीजिए, ये तैयार हो गया है। उसको बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतना नमक मिला है, इतना लगा है और मिर्ची मसाला है, तो इसको क्या करना है। अब इसके लिए हम आपको आगे बताते हैं इसको क्या क्या करना है। इसमें हम मिर्ची, आप तीखा कम या ज़्यादा खाते हैं मिर्ची डाल दें। और एक मैंने ये टमाटर लिया है, इसको भी डाल देंगे हम। और ये धनिया, इसको भी इसी में हम डाल देंगे। और मैंने कुछ बनाया था इसलिए टमाटर का जूस रखा था, वो भी इसमें डाल दिया। इसमें नमक तो डालना नहीं है, कुछ भी डालना नहीं है, क्योंकि मसाला नमक है ना, उसी का जार है। तो इसकी अब हम बना लेंगे चटनी। लीजिए, चटनी बना के हम आपको फिर दिखाते हैं। देखिए, इसमें जो भी मसाला लगा था, नमक लहसुन, वो भी वेस्ट नहीं हुआ और ये चटनी भी तैयार हो गई है। लीजिए, हो गया बढ़िया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं।